हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे लेटेस्ट और बेहतरीन मूवी मिमी का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 8.2 out of 10। तो चलिए आपका समय ज़ाया न करते हुए मूवी एक्सप्लेन करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है भानु से, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है। भानु अपनी टैक्सी में दो विदेशी पति पत्नियों, जिनका नाम जॉन और समर है, कहीं ले जा रहा होता है। बातों बातों में भानु को पता चलता है कि समर माँ नहीं बन सकती, इसलिए वे सेरोगेसी के जरिए बच्चा लाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें एक लड़की की तलाश है जो कि उनका बच्चा पैदा करके उन्हें सौंप दे और जिसके लिए वे उन्हें लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। पैसों की बात सुनकर भानु उन्हें एक औरत के पास ले जाता है और उनसे कहता है कि इसने अब तक करीब 14 बच्चों को जन्म दिया है और काफ़ी टैलेंटेड है। समर भानु को समझाती है कि उन्हें एक लड़की चाहिए जो कि खूबसूरत हो और जिसकी हेल्थ अच्छी हो, तभी वह हमारे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। वे लोग घूमते हुए एक पैलेस में डिनर के लिए रुकते हैं। वहाँ उन्हें मिमी नज़र आती है, जो कि एक डांसर है और डांस के जरिए पैसे कमाकर हीरोइन बनने के लिए पैसे इकट्ठे कर रही है। जॉन और समर को मिमी पसंद आ जाती है। वे भानु को मिमी से सेरोगेसी के लिए बात करने के लिए कहते हैं। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मिमी अपनी सहेली शमा के साथ घर के लिए निकल रही होती है, तभी भानु वहां आकर उन्हें रोक लेता है और कहता है कि वह मिमी का फ़ैन है, वह उनसे बिना पैसे लिए फ्री में घर छोड़ देगा। मिमी की सहेली को घर छोड़ने के बाद मौका पाकर भानु मिमी से कहता है कि क्या वह उसके विदेशी ग्राहक के लिए बच्चा पैदा कर सकती है। इतनी बात सुनकर मिमी उसे एक थप्पड़ लगा देती है और घर की ओर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मिमी की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसके माता पिता और एक दादी है। मिमी पूजा करने के लिए अगले दिन मंदिर जाती है। वहां वह देखती है कि भानु आज भी उसका पीछा कर रहा है। भानु उसे समझाता है कि उसे सेरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा करना है। बच्चा पैदा करने के लिए उसे जॉन जी के साथ सोने की ज़रूरत नहीं, वह बिना उनसे रिलेशन बना ही बच्चा पैदा कर सकती है, जिसके लिए वे लोग उसे 20 लाख रुपए देंगे, जिसके जरिए वह बॉलीवुड जाकर अपने हीरोइन बनने के सपने को पूरा कर सकती है। मिमी सोच में पड़ जाती है और यह बात अपनी सहेली समा को बताती है और साथ ही मिमी एक बार उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह वे लोग जॉन और समर से मिलते हैं। समर उससे कहती है कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं, आपकी बॉडी अच्छी है, जो कि एक एथलीट की होती है। अगर आप उनका बच्चा पैदा करेंगी तो यकीनन बच्चा काफ़ी अच्छा और हेल्थी पैदा होगा, और मिमी इसके लिए राज़ी हो जाती है। वे लोग हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। मिमी सोच में पड़ जाती है कि वह 9 महीने कहाँ रहेगी। तभी शमा कहती है कि वह उसके घर रह सकती है, उसके पिता मौलवी हैं, वे हमेशा मस्जिद में रहते हैं और वे कभी कभार ही घर आते जाते हैं। मिमी शमा के घर रहने के लिए तैयार हो जाती है। वे लोग चेकअप के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कुछ दिनों बाद सेरोगेसी की तैयारी शुरू हो जाती है। यहाँ पर मूवी में एक गाना शुरू होता है, जिसमें सेरोगेसी के सारे प्रोसेस होने के बाद मिमी प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद जॉन और समर मिमी को अपने कहे मुताबिक पैसे देकर वापस विदेश लौट जाते हैं और कुछ महीने बाद वापस आने की बात कहते हैं। मिमी घर आकर शाम को अपने घर वालों से कहती है कि उसे एक मूवी में काम मिला है, जिसके लिए उसे कुछ महीनों के लिए बाहर जाना है और वे लोग उसे एडवांस पैसा भी दे रहे हैं। मिमी अपनी बात मनवा कर वहाँ से चली जाती है और गांव में ही दूसरे मोहल्ले में अपनी सहेली समा और भानु के साथ रुक जाती है। एक दिन शमा के पिता मस्जिद से घर आते हैं, जहां समा अपनी सहेली और उनके शौहर हैं कहकर अपने पिता को मना लेती है। कुछ महीनों बाद जॉन और समर आकर उनसे मिलते हैं और हंसी खुशी से चेकअप के लिए चले जाते हैं। डॉक्टर जॉन और समर से कहती है कि उन्होंने मिमी की रिपोर्ट देखी है और कहती है कि उनके बच्चे में प्रॉब्लम है और बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है। अगर वह बच्चा पैदा होता है तो वह नॉर्मल नहीं होगा। समर इस बात से काफ़ी दुखी हो जाती है और जॉन और समर यह निर्णय लेते हैं कि वे इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
जॉन और समर भानु को बताते हैं वे इस बच्चे को नहीं ले सकते। वह मिमी से कह दे कि वह अपना बच्चा गिरा दे क्योंकि वे डिसेबल बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। भानु उनको समझाता है और उनके सामने हाथ जोड़कर विनती करता है, लेकिन वे लोग बच्चे को अपनाने से मना कर देते हैं। भानु उनसे कहता है कि वह अपना बच्चा ले ले, न जाने अब मिमी का क्या होगा, लेकिन वे लोग नहीं मानते। तभी भानु घर आकर मिमी को शमा को यह बात बताता है। मिमी उनकी बात सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वे लोग तुरंत ही उस होटल में पहुंचते हैं जहां वे रुके हुए थे, लेकिन वहां जाने पर पता चलता है कि जॉन और समर वहां से विदेश के लिए निकल गए हैं। अब मिमी के सामने कोई रास्ता नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगती है। मिमी काफ़ी सोच विचार कर अपने घर वापस आ जाती है। वहाँ वह अपने परिवार वालों से कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और भानु उसका पति है और होने वाला बच्चे का पिता है। घर वाले भानु और मिमी पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि भानु की उम्र मिमी से कहीं ज़्यादा थी और पहले से ही मिमी के बाप की उम्र का लग रहा था, लेकिन वे किसी तरह इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कमरे में मिमी भानु पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसी ने जॉन और समर को उसके पास लाया था और उसी के कारण उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अगली सुबह मिमी को जोरों का दर्द होता है। वे उसे सरोगसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहां मिमी डॉक्टर से कहती है कि जॉन और समर अपने बच्चे को अब बिना अपनाए विदेश चले गए हैं क्योंकि आपने कहा था कि बच्चे में प्रॉब्लम है और वह काफ़ी इमोशनल हो जाती है। मिमी अपनी प्रॉब्लम को फेस करते हुए बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है। मिमी भानु से कहती है वह चाहता तो जॉन और समर के जाने के बाद ही उसे भी छोड़कर चला जाता और घर वालों को कह देता कि वह बच्चा उसका नहीं है, वह क्यों रुका हुआ है। लेकिन भानु उससे कहता है कि पैसे से वह एक ड्राइवर है और उसे अपनी सवारी को बिना मंजिल तक पहुंचाए बीच रास्ते में छोड़ने की आदत नहीं है, चाहे मंजिल कैसे भी हो। उसी रात मिमी को दर्द फिर से शुरू होता है और वे लोग मिमी को पास के ही एक छोटे से अस्पताल में ले जाते हैं जहां मिमी एक सुंदर से स्वस्थ लड़के को जन्म देती है। शमा डॉक्टर से कहती है कि रिपोर्ट में तो बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ था, जिस पर डॉक्टर उसे कहती है कि हर बात रिपोर्ट सही नहीं होती और उनका बच्चा एकदम स्वस्थ है। सब लोग सुंदर से बच्चे को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन सबको भानु और मिमी को देखकर यह डाउट रहता है कि ये बच्चा उनका है कि नहीं, क्योंकि बच्चे का रंग जरा भी उनसे मैच नहीं खाता। दूसरी ओर हर कोई भानु से गोरे बच्चा पैदा करने के टिप्स मांगते रहते हैं, जिस पर भानु उन्हें नए नए और गलत सलत नुस्खे बताने लगता है और लोग उनकी बात मान लेते हैं। तभी भानु के पास उसकी पत्नी का कॉल आता है। वह उससे पूछती है कि वह इतने दिनों से घर क्यों नहीं आया। उस पर भानु कहता है कि वह एक विदेशी जोड़ा वहां आया हुआ है, उनके जाते ही वह भी फ्री हो जाएगा और घर आ जाएगा। भानु की पत्नी और माँ को उस पर शक होता है और वे लोग उसका पता करते हुए मिमी के घर आ जाते हैं, जहाँ वे लोग काफ़ी हंगामा खड़ा कर देते हैं। मिमी के माता पिता और दादी भी भानु की सच्चाई जानकर हैरान हो जाती है। भानु इन सब से बचने के लिए मिमी को पूरी सच्चाई बताने के लिए कहता है। तब मिमी उन सब को सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि उसका बच्चा सरोगेसी के जरिए उसकी कोख में आया है। साथ ही जॉन और समर के बारे में सारी जानकारी उन्हें देती है और यह भी उन्हें क्लियर कर देती है कि भानु इस बच्चे का बाप नहीं है। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। मिमी और उसके घर वाले उसकी बड़े लाड़ प्यार से परवरिश करते हैं। वे उस बच्चे का नाम राज रखते हैं। जब राज 4 साल का हो जाता है, तब एक रोज मिमी देखती है कि जॉन और समर उसके घर आए हुए हैं। जॉन और समर अपने बच्चे को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन मिमी उन पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वे लोग मिमी से माफ़ी मांगते हैं कि वे अपनी हरकत के लिए काफ़ी शर्मिंदा हैं, लेकिन मिमी उन्हें दोबारा ना आने की धमकी देकर वहां से भगा देती है। अगले दिन वे लोग फिर से वहां राज के लिए खिलौने लेकर आते हैं और मिमी और उसके परिवार वालों को समझाने की कोशिश करते हैं। तभी राज आ जाता है, जिसे देखकर समर उसे खिलौने पकड़ा देती है और उसके साथ खुशी से खेलने लग जाती है। तब जॉन उनसे कहता है कि उन्हें काफ़ी पछतावा है।
एक बार तो समर ने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वे लोग राज को उन्हें देने के लिए तैयार नहीं होते। तब जॉन उन्हें लीगली एक्शन लेने की बात कहता है, क्योंकि यह बच्चा उसका है और मिमी और उसके बीच पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था, और वे लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी भानु आकर उनसे कहता है कि आपने तो सिर्फ सुसाइड करने की कोशिश की है। कभी कभी मर जाना आसान होता है, लेकिन जिंदा रहकर अपने आप से और समाज से लड़ना बहुत ही बड़ी बात होती है, जो कि मिमी ने करके दिखाया है। वे लोग किसी भी हालत में राज को उनको नहीं देंगे, चाहे उनको कोर्ट में चुनौती ही क्यों न देना पड़े। और वे लोग भानु की बातें सुनकर वहां से चले जाते हैं। बाद में मिमी और भानु वकील से लीगल एडवाइस भी लेते हैं, लेकिन केस हर तरीके से जॉन और समर के पक्ष में था, जिसके लिए पूरे परिवार वाले काफ़ी दुखी हो जाते हैं। अंत में मिमी काफ़ी सोच विचार कर यह निर्णय लेती है कि वह राज को जॉन और समर को सौंप देगी। वे लोग राज को उन्हें सौंपने के लिए जॉन और समर के पास पहुंचते हैं। तब समर उनसे कहती है कि राज तुम्हारा ही बेटा है और उन्होंने एक बेटी को गोद ले लिया है। उन्हें यह बच्ची रास्ते में रोते हुए मिली थी, उसका कोई नहीं था इसलिए उन्होंने उसे गोद लिया है। समर इमोशनल होकर कहती है कि वह एक माँ और बेटे को एक दूसरे से दूर करके कैसे खुश हो सकती है। राज तुम्हारे बिना उसके साथ नहीं रह पाएगा, तुम ही राज की असली माँ हो। समर यह भी कहती है कि उसे अब समझ में आ गया है कि माता पिता बनने के लिए बच्चे पैदा करना ही जरूरी नहीं, वह अपनी गोद ली हुई बेटी को भी उतना ही प्यार करेगी जितना वह राज से कहती है। इतना कहकर वे लोग विदेश जाने के लिए निकल पड़ते हैं और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।